हेलो, अभी हम लोग नए और एक स्टडी हम सीखने वाला आए हैं। ये है वीकली डबल कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, वीकली डबल कैलेंडर स्प्रेड ये है ऑप्शन सेलिंग के लिए है। हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसका रीज़न क्या है, इसका कैसा है, हम लोग टाइम दे के कमा सकता है, तो साइडवेज मार्केट होना चाहिए ज़रूरी। तो ऑप्शन सेलिंग, व्हाट इज़ द ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में हम लोग स्ट्रेटजी लेंगे वीकली डबल कैलेंडर स्प्रिट। तो इसमें पहले क्या करना, नाउ सेल पुट, मतलब नाउ सेल करना चाहिए पुट आउट ऑफ द मनी, नहीं तो कॉल आउट ऑफ द मनी, एंड बाय नेक्स्ट वीक सेम स्ट्राइक प्राइस एंड बाय कॉल वीएस पुट। मतलब कॉल भी बाय कर सकते, पुट बाय कर सकती। ये है वीकली एक्सपायरी। ठीक है, यहाँ पे वीकली में एक ये पहला तो स्ट्रेडल बनाना टू साइड का, फिर जाके उसी का सेम स्ट्राइक को बाय भी बना लेना। ठीक है, ऐसे दो तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये वीकली साइड मतलब दो दो साइड से एक बाय एक सेल दोनों बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे व्यू आप लोग को शेयर करेंगे किस रीजन से। राइट, अभी मार्केट यहाँ से बहुत एक बड़ा रेंज ले लेना। ठीक है, यहाँ पे जब आप वीकली बेसिस में ले रहे तो एक बड़ा फेस आपको लेना है। तो यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, तो इसका पी से क्या करेंगे हम लोग, पी से है स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे क्या लिखा है, बाय नेक्स्ट वीक सेम स्ट्राइक प्राइस एंड बाय, यहाँ पे वही यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ सेम स्ट्राइक प्राइस वो बाय भी करना, सेल भी करना, बाय भी करना। ठीक है, तो हम लोग आएंगे तो इसका मतलब साइडवेज मार्केट में ही अप्लाई करना है। हम लोग निफ्टी आएगा फ्यूचर में ऑप्शन में, तो हम लोग अप्लाई करने का है वीकली कैलेंडर स्प्रेड बोलता है। हम लोग वीकली डबल कैलेंडर स्प्रेड बोलूंगा इसको, क्योंकि डबल कैलेंडर स्प्रेड में खुद ही ट्रेड किया है डबल कैलेंडर स्प्रेड। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, कैस्ट्रोडल लॉन्ग भरेंगे 36 हम लोग ले लेंगे। क्या है, कौन सा भी स्ट्राइक ले लेंगे, सपोज 203 रुपये का स्ट्राइक प्राइस लेंगे सेल, यहाँ पे ले लेंगे एक सेल करेंगे 203 रुपये का। तो यहाँ पे भी हम एक 203 रुपया, यहाँ पे 3 4 5, तो ये इस प्राइस 205 रुपया, 3 रुपया इसको हम सेल करेंगे। अभी ये सेल किया, अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया है वो लिखना पड़ेगा हमको, अभी नहीं तो भूल जाएंगे। पहले तो देख लेंगे, छोटा करेंगे, लिख लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 36,149, 49, 36,100 और सी, और यहाँ पे 34,900 पी पुट्स, यहाँ पे 203 रुपये, 3 रुपये, 205 रुपये। तो हमें इसको अप्लाई करेंगे। अभी ये वीक तो ले लिया, अभी ये वीक ले लेना है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में जाना है। आपको 29 है तो आप यहाँ इस तरह से भी जा सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे 2 जून रहा है, यहाँ पे 9 जून चल रहा है, अभी 2 जून 9 जून में हम चले जाएंगे नेक्स्ट वीक। हम वीकली बेसिस प्लस नेक्स्ट वीक, यहाँ पे कैलेंडर यहाँ पे क्या लिखा है, वीकली डबल कैलेंडर, इस डबल कैलेंडर यूज़ कर रहा हो ना हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कितना फास्ट सेल किया, कितना है सी कॉल साइड का, 36,000, 36,100 पुट साइड का, कॉल साइड का 36,000 ए हंड्रेड। हाँ, ये इसका हम क्या किया, इसका करेंगे एक बाय 34,900, 34,900 इसी का हम करेंगे एक, उधर इसमें बाय करेंगे
पिक बाय करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल पुट आउट ऑफ द मनी बाय नेक्स्ट वीक सेम स्टैक टू कॉल वीएस पुट्स क्लिक कैलेंडर स्प्रिट डबल कैलेंडर। यहाँ पे हम कुछ तो कुछ गलत किया होगा, मेरे ख्याल से चार स्टैक करना चाहिए, कितना हुआ, चार आ गया, चलो कोई बात नहीं आ गया। यहाँ पे सी यहाँ पे के दोनों को 39 49 49 31 31, हाँ चले हो गया। आई डोंट यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग वीकली ऑप्शन सेलिंग किया है, वीकली डबल ऑप्शन सेलिंग, वीकली डबल कैलेंडर स्प्रिट, हाँ क्या करना, सेल पुट आउट ऑफ द मनी एंड बाय नेक्स्ट वीक सेम स्ट्राइक प्राइस सेल एंड बाय दोनों साइड से कर सकता है। उसके बाद बट वीकली डबल कैलेंडर स्प्रिट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ इसका ब्रेक इवन बहुत बड़ा बड़ा है, देखो ब्रेक इवन है 34,400, ये है देखो इसका ब्रेक इवेंट यहाँ आ जाएगा, ब्रेक इवेंट कहना कहें यहाँ पे आ रहा है ब्रेक इवेंट, ठीक है ये नीचे का ब्रेक इवेंट है और ऊपर का कितना आ रहा है, ऊपर का आ रहा है 36,500, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसको हम लोग अप्लाई करके दिखा दिया, जो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग मतलब वीकली बेसिस में यूज़ कर सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। और इसके लिए आपको लॉस कितना है, 9,000 है, लॉस है 9,000, प्रॉफिट है 5,800 और 10,000 लॉस है और प्रॉफिट मैक्सिमम 41,000 कैपिटल लगने वाला है। अगर इसका 20 में क्लोज हुआ तो यहाँ पे 61% पॉसिबिलिटी है। मार्केट का ट्रेंड हिसाब से चलता है ऑप्शन सेलिंग में, ऐसा कहा जाता है। कैलेंडर है इसका, कोई भी ऑन साइड आओ, इसीलिए आपको ब्रेक इवेंट रेंज डिसाइड करके दिया, राइट ये वाला तो समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ ये हुआ वीकली डबल कैलेंडर स्प्रिट हमने यूज़ किया है, तो आप लोग को समझ में आ गया। तो टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, अच्छा से देख लेना वीडियो कहाँ क्या हुआ। एट द मनी को सेम मतलब डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है, मगर कोई भी अगर स्ट्राइक सेल कर रहा है सेम उसी का स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, यहाँ अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है ना। बाय बाय, ठीक है।